सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े किए गए हैं भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। लोकसभा चुनाव में केवल 6 महीने का वक्त अभी बाकी है और सरकार को अगर ये करना था तो सरकार पहले सोचते। देश में 1970 से पहले भी एक देश एक चुनाव का प्रावधान था, ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन अब सरकार अचानक ही फैसला लागू करना चाहती है। अचानक इस तरह से फैसला लागू करना ये गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान को लेकर भी हुड्डा बात कर रहे थे। सबको अपनी बात रखने, अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस के नेताओं में कोई विवाद नहीं है। तक जो है एक ही साथ होते रहे। मैं तो उन्हें अपने पिताजी का काम करता रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ, पूरे स्टेट का लोकसभा इकट्ठा हुआ। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये बाद में हुए हैं बदले। बाद में परिस्थितियाँ होगी, कोई जैसे कोई असेंबली डिजॉल्व हो गई, कोई होगी वो तो सर नहीं पड़ेगा जी। किस बात का असर होगा? विधानसभा के साथ सेंटर के पहले भी होते रहे। अब जैसे बीच में काफी गैप आ गया। 91 का भी हुआ था, 95 का हुआ हरियाणा में। 94 क्या असर हुआ भाई? क्या असर हुआ? लोग जो मन बना हालात और अब के हालात, जहाँ लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। हालात और अलग है ना, क्या हालात क्या राजनीति क्या अलग है। तो आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये पहले भी होते रहे हैं, ये तो परिस्थितियों ने कहा, ये तो विचार करने का हुआ विषय। लेकिन इस समय क्या है, चुनाव से थोड़े दिन पहले, अब 6 महीने चुनाव का है लोकसभा के, अब क्या, ये तो पहले करना चाहिए समय।